तो बहुत दिनों बाद इंस्टाग्राम जो है अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ अपडेट्स लेकर आई है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या इंस्टाग्राम पे नए अपडेट है जो कि आपको जरूर जानकर रखना चाहिए अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज करते हो तो। और बहुत दिन बाद इंस्टाग्राम पर अपडेट है तो बहुत खास अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक22 के एक और नए फ्रेश वीडियो। सबसे पहला जो अपडेट है वो है व्हाट्सएप की तरह। जैसे व्हाट्सएप पे क्या होता है, आप विदाउट व्हाट्सएप को खोले आप कोई भी मैसेज को रिप्लाई कर सकते हो नोटिफिकेशन के थ्रू, सेम टू सेम इंस्टाग्राम पर भी आप ये फीचर ला दिया है कि आपको कोई भी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए इंस्टाग्राम ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका नोटिफिकेशन पे इंस्टाग्राम पर कोई भी अगर मैसेज भेजेंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन पर आता है वहीं से आप डायरेक्ट उसको रिप्लाई कर सकते हैं विदाउट इंस्टाग्राम में गए हुए। तो बहुत ही अच्छी फीचर है, ये पहला फीचर है। सेकंड चीज का अपडेट है, जैसा कि ज्यादातर हम लोग मैसेंजर पे देखते हैं, जब भी मैसेंजर पे कोई ऑनलाइन रहता है तो वहां पर एक ग्रीन टिक लग जाता है ताकि हमें पता चल सकता है कि ये बंदा ऑनलाइन है। बट इंस्टाग्राम में ये चीज पहले नहीं होती थी, बट इंस्टाग्राम में अब ये अपडेट आ चुकी है कि इंस्टाग्राम पे भी चैट सेक्शन पे जाने के बाद आपको वहां पर ग्रीन डॉट मिलेगी जो जो ऑनलाइन रहेंगे, तो इससे पता चल जाएगी कि कौन कौन बंदे ऑनलाइन है। तो एज सिमिलर टू फेसबुक की तरह किया गया, आपको पता है फेसबुक का ऑनर इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप तीनों का ऑनर सेम ही है, तो जिसका तीनों प्लेटफॉर्म वो सेम चीजें अपडेट कर रही है। तो अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट अपडेट भी काफी कमाल की है। जैसे मान के चलो आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देख रहे हो, जब आपको कोई पोस्ट पसंद आएगी तो पसंद आने के बाद क्या करते हैं, उसे हम लोग पर्सनली अगर कोई मेरे बंदे हैं जिसको हमको भेजना है तो उसको सेंड बटन दबाने के बाद वहां पर भेजते हैं और उसको फिर सारे चैट खुल जाते हैं। जैसे आप सेंड बटन जाओगे सारे चैट खुलेगी, उसमें से फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि किसको आप भेजोगे, उसका सेलेक्ट करोगे। बट इंस्टाग्राम पर अब एक फीचर यह आ चुकी है कि जो सेंड बटन है उसको अगर आप क्लिक करके थोड़ा देर के लिए होल्ड करके रखोगे 4-5 सेकंड के लिए, तो जो जो जिससे आप ज्यादा फ्रिक्वेंटली बात करते हो उनका चैट जो है यानी कि उनका जो पॉपअप ऊपर खुल जाएगा उसका डायरेक्ट वहीं से आप उनको सेंड कर सकते हो। इसमें हर किसी का चैट नहीं खुलेगा, जिससे जिससे आप ज्यादातर बात करते हो उन लोगों का चैट खुलेगा, डायरेक्ट आप उनको भेज सकते हो, जिस अपडेट के लोग क्विक शेयर फीचर के नाम से बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो तो और कमाल की है। इंस्टाग्राम ने इस बात का काफी ध्यान रखा कि किसी का पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज का प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान के चलो आपको कैसा फील होगा अगर बार बार आप कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो और बार बार आपके सामने नोटिफिकेशन आ रही है, कोई भी अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बार बार हमारे पास नोटिफिकेशन आती है। बट इंस्टाग्राम मैंने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया जिसके थ्रू विदाउट नोटिफिकेशन गए आपके पास मैसेज चली जाएगी, यानी कि इंस्टाग्राम से मैसेज तो आएगी आपके पास बट आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जी हाँ, जिसको वो साइलेंट मैसेज का नाम दे रहे हैं। तो अब हमारे माइंड पे ये सवाल आती है कि कैसे हम साइलेंट मैसेज भेजें। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्या करना है, सिंपली चैट सेक्शन ओपन करना है, जिसको भी आप मैसेज भेजना चाहते हो साइलेंट मैसेज, वहां पर आपको जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हो वो टाइप करो। टाइप करने के बाद वहां पर आप @silent ये जरूर टाइप करो, @silent टाइप करने के बाद जैसे आप मैसेज को सेंड करोगे तो नेक्स्ट बंदे के पास मैसेज चली जाएगी विदाउट उसके पास नोटिफिकेशन गए हो। जी हाँ, बहुत कमाल की फीचर है, ट्राई जरूर करो। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट अपडेट जो है, मान के चलो आप कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो, या तो आप स्पॉटीफाई पे सुन रहे हो या तो आप कहीं भी प्ले म्यूजिक कहीं भी अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो, अगर आपको सॉन्ग पसंद आती है तो वो सॉन्ग अगर आप डायरेक्टली शेयर करना चाहते हो तो आप वो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो। जी हाँ, जो भी आपके फ्रेंड है उससे आप वो सॉन्ग अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वो सॉन्ग जो 30 सेकंड वो शेयर कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम पे फीचर आ चुकी है जो कि आप सिंपली वहां से शेयर का ऑप्शन आएगा, इंस्टाग्राम चूज करो, इंस्टाग्राम चूज करने के बाद चैट सेक्शन पे जाओ, वहां पर आप उसको सिंपली सॉन्ग को शेयर कर दो, तो 30 सेकंड की जो सॉन्ग है नेक्स्ट बंदे को यानी जो भी आपका फ्रेंड है उनको पता चलेगा कि आप ये सॉन्ग सुन रहे हो, ये सॉन्ग उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग जो लास्ट फीचर है इंस्टाग्राम की, तो वो फीचर है पोल क्रिएट करना। अगर आप मान लीजिए इंस्टाग्राम पर कोई ग्रुप चलाते हो तो उसमें आप डायरेक्टली पोल क्रिएट कर सकते हो। जैसे पोल आपने देखा होगा यूट्यूब पे हम लोग पोल क्रिएट करते हैं या तो फेसबुक पे भी पोल क्रिएट करते हो, ये पोल क्रिएट करने का ऑप्शन इंस्टाग्राम ने अपने स्टोरी पे बहुत पहले डाल दिया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो तो वहां भी आप पोल क्रिएट कर सकते हो, बट अब पोल क्रिएट आप ग्रुप पे भी कर सकते हो। जी हाँ, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मान के चलो आप कोई ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हो तो ग्रुप में कुछ भी चीज आपको पूछना होता है तो पर्सनली आपको हर एक बंदे के पास जाकर पूछने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल वहां पर पोल बनाकर सेट कर दो तो उसी में से आपका पोल का जितना भी आंसर आएगा जो भी उसको वोट मिलेगा वोट्स के थ्रू आप जान सकते हो कि बाकी का क्या डिसीजन है। तो यही थी 6 अपडेट जो कि इंस्टाग्राम ने लाई है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो जाके आप इसको जरूर ट्राई करो। और हाँ, और एक बात, यहाँ पर अगर आपके ये सारे ऑप्शन शो नहीं करे तो आपको सिंपली क्या करना, प्ले स्टोर पे जाके इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। अगर आपकी इंस्टाग्राम अप टू डेट रहेगी तो ये सारे फीचर आपके में शो करेगी, वरना फिर शो नहीं करेगी। तो ये बोलने के पहले कि मेरे शो नहीं करे, आप पहले एक बार इंस्टाग्राम को जाके देखो कि आपकी वो अपडेट है कि नहीं। अगर अपडेट है तो ये सारी चीज वर्क करेगी प्रॉपरली, क्योंकि ये आज ही का न्यूज़ है और आज ही ये सारे अपडेट आई है 1-6 अपडेट। तो आप इसको ट्राई करो, बहुत ही कमाल रहेगी। इंस्टाग्राम भी धीरे धीरे व्हाट्सएप और फेसबुक की तरह हो रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम को उतने कोई पहले वैलिड यूजर्स नहीं थे, बट अब इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा यूजर्स आए, ज्यादातर यूजर्स अब फेसबुक से भी ज्यादा आप देख पाओगे कि वो इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट हो रहे हैं। खुद मेरा ही बात किया जाए तो मैं फेसबुक पे पहले ज्यादा पोस्ट करता था, बट अब मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ। इसलिए अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, टेक22 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उसमें मैं पोस्ट करते रहता हूँ। साथ ही साथ चैनल से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, उसके बाद वो चैनल पर आता है। तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करो ताकि आपको सारी अपडेट्स पहले पता चल सके। तो यही थी कुछ आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इसी तरह की कुछ ऑसम वीडियो चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।